Hey guys, what's up? This is Shubhadeep from eGadgets for you. और इस वीडियो में चलिए देख लेते हैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक न्यूज जो कि चल रहा है इंडिया में। सबसे पहले अगर आप एक मोबाइल लवर्स हो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत शौक है और आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज खरीदना है तो आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी है। 11 मई से 14 मई पहले तो Amazon का बिग इंडियन सेल शुरू होगा। इसके तहत आपको मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मोबाइल एक्सेसरीज हर किसी में बहुत भारी डिस्काउंट मिलेगा। और Amazon टीम अप किया है सिटी बैंक के साथ। आपके पास अगर सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग कुछ भी है तो आपको और भी डिस्काउंट मिलते जाएगा। ये डिस्काउंट में बहुत बड़ा पार्टनर Amazon के साथ किया हुआ है OnePlus, Samsung, Motorola ने। तो ये सब हैंडसेट्स में आपको तो भारी डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ये फॉर ग्रांटेड है। Amazon का बोलना यह भी है कि आपको 50% तक माने 50% तक भी ऑफ मिल सकता है कोई कोई प्रोडक्ट्स में। तो 11 टू 14 में हो गया Amazon का। अब 14 से 18 में है क्या? अब 14 से 18 में Flipkart का है बिग टेन सेल। अब ये बिग टेन सेल है क्या? क्योंकि Flipkart का 10 साल हो गया ये बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में और 10 साल से ये ई-कॉमर्स साइट लागू है। सेलिब्रेट करने के लिए Flipkart ला रहा है बिग टेन सेल डे 14 मई से 18 मई तक। इस सेल में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, मोबाइल्स, मोबाइल एक्सेसरीज हर किसी में भारी डिस्काउंट मिलेगा। Flipkart का बोलना है कभी कभी तो आपको 80% तक भी डिस्काउंट मिल सकता है। और सिर्फ यही नहीं, ये Flipkart का सेल में पार्टनर हुआ है Samsung, Vivo, Oppo, Lenovo, ये सारे मोबाइल्स पे आपको भारी डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। और एडिशनली अगर आपके पास HDFC बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो तो उसमें से भी आपको कैशबैक या फिर भारी डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप गैजेट लवर्स हो तो 11 मई से 18 मई ये डेट कभी मिस मत करना। पहले तो Amazon का है, उसके बाद Flipkart का है, भारी सेल आ रहा है आप सभी के लिए। और अगला न्यूज है Xiaomi से। Xiaomi Redmi 4 और Xiaomi Redmi 4 Prime ऐसे लग रहा है कि इंडिया में लॉन्च होगा ये महीने माने मई में। कल Xiaomi का इंडिया का जो VP है मनु जैन, उसने ट्वीट किया था कि वो लोग एक सेकेंड बिगेस्ट अनाउंसमेंट ला रहा है इस महीने में। तो इस महीने में अगर सेकंड बिगेस्ट अनाउंसमेंट है और इसके साथ एक फोटो माने एक टीजर भी वो लोग दिया है नेट में, तो इसके तहत पता शायद चलता है कि ये महीने में Redmi 4 और Redmi 4 Prime ये दोनों हैंडसेट इंडिया में आएगा। ये दोनों हैंडसेट फिलहाल तो चाइना में लॉन्च हो चुका था नवंबर में, लेकिन अभी तक इंडिया में ये हैंडसेट आया नहीं है। तो ये ट्वीट जो Xiaomi इंडिया का VP ने जो किया है उसके तहत पता चलता है कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है और Xiaomi Redmi 4A के बाद में होप सो कि Redmi 4 और Redmi 4 Prime ये दोनों हैंडसेट लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में। और आखिर में जो न्यूज है, जैसे कल भी मैंने वीडियो में बोला था कि Nokia का हैंडसेट बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, तो कल ही Nokia 3310 का एक ऑफिशियल ट्वीट आ रहा है कि वी हैव स्टार्टेड शिपिंग, माने वो लोग शिपिंग स्टार्ट कर चुका है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि शिपिंग कहाँ कहाँ या कौन सा कंट्री में शिपिंग चालू हुआ है। होप सो ये मंडे को जब HMD ग्लोबल ने जैसे इन्विटेशंस भेजा है न्यू दिल्ली का एक इवेंट में, उसमें पता चल जाएगा कि इंडिया में भी ये है कि नहीं, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशंस कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर पता चल गया है कि 3310 शिपिंग होना शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही खुशखबरी है अगर आप 3310 या फिर Nokia का लवर हो और ये हैंडसेट आप लेना चाहते हो तो। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा सभी के लिए। जितना हो सके इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सभी के साथ बढ़ना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही ट्रेंडिंग टेक न्यूज जो कि चल रहा है इंडिया में पाना चाहते हो तो मेरे चैनल में आके सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑन करना मत भूलना। और अगर आपका कोई भी क्वेरी या कमेंट हो, या कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो या फिर आप ट्विटर या फेसबुक में भी पोस्ट कर सकते हो, आपको सिर्फ यूज करना पड़ेगा #eGadgetsForYou। सो दैट विल बी इट गाइस, बाय फॉर नाउ।